तालाब में बड़ी मछली पकड़ने कभी मत जाओ, छोटी मछलियों को पकड़ो। टाइमिंग, इनकी टाइमिंग बड़ी ही गलत थी। सांप का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है इसमें। राज कॉमिक्स को हम भी सिनेमैटिक यूनिवर्स में देख सकते हैं। कैसे बन सकता है राज कॉमिक्स इंडिया का मार्वल? हालांकि इस प्रश्न से पहले हमारे दिमाग में वो तीन क्वेश्चन हमेशा आते हैं कि कब आएगी मूवी, कब बनेगी वेब सीरीज और कब आएंगे कुछ कार्टून्स, आखिर कब कब कब। स्वागत है दोस्तों आप सभी का कॉमिक्स न्यूज अड्डा में। आज की हमारी एक खास एनालिसिस रिपोर्ट हम लोग लेकर आए हैं दोस्तों, किस प्रकार से राज कॉमिक्स को हम भी सिनेमैटिक यूनिवर्स में देख सकते हैं या फिर एक वेब सीरीज के रूप में या मूवी के या कार्टून के रूप में तो हम कम से कम देख ही सकते हैं। तो आज इस वीडियो में पूरा एनालिसिस करेंगे, आप भी देखेगा उन कड़ियों को, उन प्रश्नों को और जानेंगे कहाँ त्रुटि रह गई इन सब चीजों में या इन सब चीजों को बनाने में। शुरू करते हैं 90s के एरा से, जब शक्तिमान का परचम पूरे भारत पे लहरा रहा था। वहीं राज कॉमिक्स की भी लोकप्रियता बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से दूरदर्शन पे उन्होंने अपना नागराज का पहला रक्षक नागराज नाम से सीरियल लाने की कोशिश की। हम महानगर नेशनल फॉरेस्ट पहुंच चुके हैं। कहीं दुनिया भर की सबसे खतरनाक हथियार की नीलामी। ओह, वेलकम मिस्टर थोड़ांगा, बस आप ही की कमी थी। इसके चार भाग भी बने और उसमें राज प्रेमी नाम के अभिनेता ने भूमिका भी निभाई। बाद में सोनू सूद भी एक प्रोमो में देखने को मिले, हालांकि ये बंद होने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण बताया जाता है पेटा। तो जो एनिमल वेलफेयर वाले उन्होंने ये सीरियल में आपत्ति जताई कि भाई ये क्योंकि स्नेक सांप का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है इसमें। इंडियाज एनिमल्स राइट ऑर्गेनाइजेशन यानी पेटा, जहां एनिमल्स को लेकर कुछ राइट्स रिजर्व किए गए हैं भारतीय लॉ में, उसी के मद्देनजर रखते जब ये सीरियल लॉन्चिंग करने वाले थे उसी समय पेटा वालों ने ऑब्जेक्शन किया, क्योंकि नागराज के इस सीरियल में बहुत सारे नागों का उपयोग हो रहा था और उस समय नागों का और इतने सारे एनिमल्स का उपयोग होने की वजह से दोस्तों पेटा के ऑब्जेक्शन के चलते इस सीरियल को वहीं पे डिब्बा बंद करके बंद कर दिया गया। इसके बाद राज कॉमिक्स ने हाथ नहीं बांधी, आर्टून्स नाम का एक एनिमेशन स्टूडियो स्टार्ट किया, जिसके अंदर 2D एनिमेशन के कुछ छोटे छोटे से एपिसोड बनाए। सारी दुनिया को तबाह कर देगा, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा क्रिगी। व्हेनेवर कमांडेड, कार्ड डालता हूँ, मेरा काम है पहले मारना फिर सोचना। दर मेरे घूसा बांध का नमूना तो चख लिया होगा, जरा तभी से बात करो वरना थप्पड़ नाक बांध। जिसमें आपको नागराज से लेके ध्रुव से लेके साथ साथ में फाइटर ट्रोट्स का भी एपिसोड एक पूरा भाग देखने को मिला। हालांकि उस समय स्पेस या फिर कोई डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर नहीं मिलने की वजह से ये भी शायद कहीं डिब्बे बंद में खो गया। इसके बाद आरसी ने यूट्यूब के ऊपर भी अपना कदम अजमाया, वहाँ वेब सीरीज के रूप में धीरे धीरे आने की कोशिश की, जहाँ सुपर कमांडर ने ध्रुव और डोंगा के टीजर रिलीज किए वेब सीरीज के रूप में। सारी मुंबई का रखवाला, हाँ मैं हूं डोगा। मिशन इज नॉट व्हाट वी थिंक इट इज, यू नीड टू बी केयरफुल। पता लगाना पड़ेगा अपने कुछ उसूल बदल कर। हालांकि टीजर देखने के बाद डोंगा लोगों को नहीं पसंद आया, सांस में ध्रुव भी पसंद नहीं आया, क्योंकि एक जो एक्चुअलिटी फ्रिक्शन हम जो देख रहे हैं कॉमिक्स में कहीं ना कहीं जब रियलिटी में देखते हैं तो हमें बहुत ही अलग लगाई देता है। हम कंपेयर करते हैं मार्वल या डीसी जैसे सिनेमैटिक यूनिवर्स से कंपेयर करते हैं, जिसकी वजह से शायद वो भी कहीं डिब्बे बंद में चले गया। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि राज कॉमिक्स ने कोशिश नहीं की, क्या टीवी सीरियल नहीं आए, मूवीज नहीं आए या फिर कोई कार्टून एनिमेशन शोज नहीं आए, पर जैसे एक कहावत है कही जाती है कि समय बड़ा बलवान।
सबसे बड़ी गलती जो थी वो है टाइमिंग। इनकी टाइमिंग बड़ी ही गलत थी। हालांकि टीवी सीरियल के रूप में देखो तो पेटा ने उस समय ऑब्जेक्शन लिया था, बट नाउ एट टाइम अगर आप देखें तो डिजिटल जितने भी चैनल सोनी वगैरह कलर्स वगैरह पे देखें तो बहुत सारे ऐसे शो भी हैं जिनमें फैंटेसी चीजें आती है। यार आप नागिन ही देख लीजिए, इसमें 1, 2, 3 नागिन तक आ चुका है, इसमें एनिमल्स का कितना ऐसा यूज है, फिर भी पेटा ने अभी तक ऑब्जेक्शन नहीं लिया। तो समय की बात थी कि दैट टाइम मतलब उस समय में क्या होता है कि ऑनेस्टी वाली एक अलग चीज हुआ करती थी। नाउ एट टाइम भी वो सब चीजें हैं, बट कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि हाँ भैया एक सुपर हीरोज के रूप में या कुछ ऐसा सीरियल फिक्शन बना रहे जिसमें इन सब चीजों का यूज करना अनिवार्य रूप से हमें लगता है, और आजकल की सारी पब्लिक उस चीज को अंडरस्टैंड भी करती है मार्वल डीसी की मूवीज देख देख कर। तो दोस्तों हम सभी का जो सवाल होता है कि यार क्यों नहीं आए टीवी सीरियल कार्टून्स वगैरह, तो इन सभी के सवालों का यही जवाब है कि कोशिश जरूर की गई थी बट कहीं ना कहीं बहुत जल्दी हार मान ली गई। अब देखते हैं उन बिंदुओं को जिनके ऊपर अमल करके हम याज कॉमिक्स को कहीं ना कहीं सिनेमेटिक यूनिवर्स में ले जा भी सकते हैं और कहीं ना कहीं उनके मूल से लेकर हर चीज वो देख सकते हैं जो हम सभी के जहन में बैठी हुई है। कॉमिक्स का प्रकाशन निरंतर रूप से चलता रहना चाहिए। जैसे आप बड़ी इंडस्ट्री में जाएं, मार्वल डीसी भले उनकी सिनेमेटिक यूनिवर्स कितनी बड़ी बड़ी फिल्में आ रही है, सीरीजेस आ रही है, यूट्यूब पे अगर एनिमेशन शोज आ रहे हैं, टीवी पे एनिमेशन शोज चल रहे हैं, फिर भी वो कॉमिक्स की दीवानगी या कॉमिक्स के पेपर बैक कवर्स या अलग अलग प्रकार की चीजें जो भी है कॉमिक्स की चीजें वो हमेशा निकालते रहते हैं। हर मंथ या हर एक या दो मंथ में उनके नए नए इश्यूज आते रहते हैं, क्योंकि कॉमिक्स की दीवान की दोस्तों क्या होता है कि हम डिजिटल लाइफ में कितनी भी चीजें देख ले, कॉमिक्स एक ऐसी चीज होती है जिसे हम जब तक हाथ में ना ले, पढ़ ना ले, जब तक हमें मजा नहीं आता है। ये एक रीजन है, पता नहीं क्यों, बट हम सभी को ऐसा ही पसंद है। कितने भी आप वीडियोस देख लीजिए, स्टोरी पढ़ लीजिए, वॉइस मोड देख लीजिए, फिर भी कॉमिक्स का मजा तभी आएगा जब तक आपके हाथ में नहीं होती है वो। कॉमिक्स के रेट बहुत ज्यादा है जिसका बहुत सारा इश्यू हो रहा है, लोग नहीं खरीदते कॉमिक्स, डिजिटल पढ़ लेते हैं। और फिर जब सिनेमेटिक यूनिवर्स की इतनी बड़ी बड़ी मूवीज आ रही है, कॉमिक्स आ रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है पढ़ने को ऑनलाइन वेबसाइट या एप्स वगैरह पे, तो क्यों वो परचेस करके महंगी कॉमिक्स से खरीदे, ये सवाल हम सभी के जहन में आता है। फैलने के लिए दोस्तों बनिया बुद्धि की एक कहावत है, तालाब में बड़ी मछली पकड़ने कभी मत जाओ, छोटी मछलियों को पकड़ो, छोटी मछली को तैराओ, जब छोटी मछली तैरेगी और फंसेगी तो बड़ी शार्क हाथ में आ जाएगी और वो बड़ा मुनाफा देगी। यानी जैसे कहते हैं ना 5 रुपए वाला समोसा, जो आजकल के ट्रेंड में आप देख सकते हैं कि एक 10 रुपए वाला समोसा, एक 5 वाला समोसा, 10 वाला समोसा दिन में 100 बेचेगा तो भी कम पैसे कमाएंगे, वहीं 5 रुपए वाला समोसे को 500 समोसे बेच के वो डबल टिबल मुनाफा कमाएगा। लैंग्वेज बैरियर, चाचा चौधरी की आप कॉमिक्स देखते हैं तो हिंदी इंग्लिश को बंगला गुजराती मराठी जैसी कुल मिला के 5 भाषाओं में आज भी रिलीज हो रही है, ये तो क्यों ना लैंग्वेज को तोड़ा जाए, जहाँ हिंदी में ही छप रही है राज कॉमिक्स, हालांकि इंग्लिश में भी इन्होंने पहले छापी है, बट इसे अब भी दोबारा से रीप्रिंट करके जब छपी रही सब चीज तो इंग्लिश में भी करना चाहिए, ताकि हिंदी के साथ इंग्लिश ऑडियंस और साथ साथ में एक बंगाली के अलावा दूसरी तमिल तेलुगु जैसी ऑडियंस को भी कवर अप करना चाहिए धीरे धीरे करके। ऐसा नहीं कहता हम कि अभी जाके कर लो, बट एटलीस्ट धीरे धीरे इन पॉइंटों पर ध्यान देके इसे कवर अप करना चाहिए, ताकि ऑडियंस का ग्राफ बढ़ेगा और ऑडियंस बढ़ेगी। वही नेटफ्लिक्स और अमेजन जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जहां पर चाइनीज मांगा जैसी बड़ी बड़ी सीरीजेस आ रही हैं, जिनका बहुत ही बड़ा कोई एनिमेशन बेस नहीं है, एक लिमिटेड एनिमेशन बेस है, फिर भी इतनी बड़ी तरीके से आ रही है और लोगों को खूब सारी पसंद भी आ रही है, तो क्यों ना यार इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्रीज कहां चली गई, इनसे तो अच्छा ही बना सकते हैं, जहां विदेशी वर्क हमारे इंडिया में हो रहा था हमारे देश के वर्क क्यों नहीं हो पा रहे, इन्हें करना चाहिए। मेरे हिसाब से जो अमेजन और नेटफ्लिक्स पे यार अप्रोच पॉइंट होते हैं जिनमें 5 मिनट का एक वीडियो बनाओ मूवीज वगैरह किसी का भी, एक शॉर्ट आउट समरी का, और उन्हें सेंड करो, अगर अच्छी लगती है तो खुद वो प्रोड्यूस करते हैं यार। आप देखे होंगे नेटफ्लिक्स ओरिजिनल वेब सीरीज, नेटफ्लिक्स या अमेजन प्राइम की ओरिजिनल मूवी या ओरिजिनल सीरीज इस टाइप से, क्योंकि ये खुद पैसा लगाते हैं अगर आपकी स्टोरी या चीजों में दम है। एग्जांपल के लिए लीजिए यार, आपने याली ड्रीम्स की कारवां और द विलेज देखी होगी, द विलेज पे तो अमेजन प्राइम ने खुद ने पैसा लगाया है, और जल्दी साउथ के एक हीरो को लेकर इसके ऊपर वेब सीरीज भी आने वाली, वो भी खुद अमेजन प्राइम पे, तो सोचिए, तो आपको अप्रोच करना पड़ेगा जाके, ताकि आपको ये पैसा भी देगी, साथ में कुछ अच्छा बना भी सकते हो, और साथ में ऑडियंस का जो ग्राफ है, जो फैंस का एक ग्राफ है, जो माइंडसेट बना रखा है, उसे तोड़ के, बिरे तोड़ के दोस्तों आप भी वहां तक पहुंच पाएंगे। बड़ी नहीं तो छोटी ही देख लीजिए, डायमंड कॉमिक्स देखिए, लॉर्डपुर देखिए, साथ में टिंकल देखिए दोस्तों, जिनके कोई बड़े सुपरस्टार है, बड़े सितारे हैं, बहुत सारे हीरोज नहीं है, चाचा चौधरी डायमंड, यूट्यूब पे अलग अलग कार्टून्स वीडियो से लेके दोस्तों टीवी पे भी कार्टून्स वीडियो अलग अलग चैनल पे आने लगे, साथ में क्रेट जैसी बड़ी बड़ी व्हेन यू पे योर क्रेडिट कार्ड बिल्स ऑन क्रेट एप्स दोस्तों उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बना के बैठी हुई, तो कितनी बड़ी बात होती यार, एक छोटी सी कॉमिक्स
जिसमें के लिमिटेड हीरोज है, चाचा चौधरी जैसे एक वर्ल्ड फेमस हीरो दोस्तों, जिसको हिंदी इंग्लिश बंगाली में ट्रांसलेट किया जाता है और फाइनली उन्होंने एनिमेशन में का नाम रखा और आज सभी लोग उनका नाम जानते हैं, साबू चाचा चौधरी कौन सभी लोग जानते हैं। तो ये होता फैन फॉलोइंग का ग्राफ बढ़ाना, इस प्रकार से आपको अप्रोच करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा। वहीं ट्विंकल को आप देख लीजिए, सुपंडी और शिकारी शंभू जैसे कैरेक्टर को लेकर उन्होंने यूट्यूब पे कार्टून वीडियोस बनाना चालू कर दिए, अलग अलग भाषाओं में डब करना चालू कर दिए, साथ में कुछ और मिनी टीवीज होने जिसके ऊपर ये शोज आ रहे हैं, अवेलेबल है बच्चों के लिए दोस्तों। तो ऑडियंस का ग्राफ बढ़ रहा, प्लस इनकम भी बढ़ रही, प्लस आप फेमस का एक जो दौर है वो भी बढ़ रहा, तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर आप करना चाहें तो आज के समय में। वहीं सबसे लास्ट अगर मैं कहूँ बहुत ही बड़ा नाम, मोटू पतलू, एक छोटी सी कॉमिक्स जिसका इतना बड़ा नाम हुआ दोस्तों, एक बेसिक से 3D एनिमेशन से शुरुआत की थी, फाइनली दोस्तों 3D के रूप में, 2D के रूप में आज इनके कार्टून्स देख लीजिए, साथ में इनकी मूवीज दोस्तों, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर आज इनकी मूवीज रिलीज हो रही है विद 3D में, सोचिए दोस्तों। एक बाल भास्कर टाइप की ही मैगजीन थी दोस्तों लोटपोट, जिसमें लोटपोट के मोटू पतलू की तो एक स्टोरी छपी आती थी, साथ में दो चार अलग अलग स्टोरी भी आती थी, छोटे से कुछ खेल खिलौने टाइप की बातें भी लिखी रहती थी उसमें, बाल भास्कर जैसा ही था कैरेक्टर। तो मिनिमम कैरेक्टर को लेके भी फाइनली इंडस्ट्री में उतरे, एनिमेशन बनाया, 2D चलाया, 3D चलाया और फाइनली टीवी पर शो आने लगा। वहीं आप वेबसाइट पे देखेंगे या कॉमिक देखें तो आज भी सस्ती कॉमिक्स आती है दोस्तों, ट्विंकल की देख लीजिए या लोटपोट की देख लीजिए, सस्ती कॉमिक्स से आज भी दे रहे हैं वो पेपर बैग के रूप में, साथ में आप ऑनलाइन वेबसाइट पे भी जाएंगे आप तो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट स्ट्रिप आपको कॉमिक्स पढ़ने को भी मिलेगी दोस्तों। तो इसको कहते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, बनिया बुद्धि, लालच देना, तभी जाके दोस्तों इतने सारे जगह पे फैल चुका है, स्प्रेड हो चुका और आज वर्ल्ड फेमस हो चुका मोटू पतलू का ये कार्टून और उसके अलावा ये लोटपोट कॉमिक्स। वही कहने का मतलब यही कि इन सारी कॉमिक्स पब्लिकेशन के ज्यादा पाठक नहीं थे उस समय, पर आज नाउ एट अ टाइम बहुत बड़ी एक पाठक इंडस्ट्री बना चुकी है दोस्तों, फैन फॉलोइंग तैयार कर चुकी है, रीजन डिजिटल माध्यमों के थ्रू। तो क्यों ना यार, जिसके 40 सुपर हीरो से भी ज्यादा है, जो मिलियंस ऑफ कॉपी सोल्ड आउट कर चुकी है और सालों से इंडस्ट्री पे राज कर रही थी, तो उसका अभी तक कुछ भी ऐसा क्यों नहीं आया। हालांकि हमने देखे ग्राफ प्राइम के भैया टाइमिंग गलत थी उस चीजों को लॉन्च करने की, बट ये टाइम सही है, क्यों नहीं लॉन्च कर पा रहे हैं, लॉन्चिंग करना जरूरी है इन चीजों को, नहीं तो शायद वो समय दूर नहीं जब हम जितने भी ऑडियंस बची हुई वो भी शायद धीरे धीरे कहीं और कॉमिक्स इंडस्ट्री के प्रति रुझान करते हुए गायब हो जाए दोस्तों, और हम भी इसे रेयर कॉमिक्स इंडस्ट्री के रूप में जानना लगे। तो ये था एक छोटा सा एनालिसिस दोस्तों, जहां पर हमने देखा कि कैसे राज कॉमिक्स का ग्राफ गिरा समय के कारण, और उसके बाद धीरे धीरे जब उठने का समय है तो क्यों नहीं उठ पा रहे, और किन किन बिंदुओं की वजह से वो उठ सकती है और क्या करना चाहिए, सभी चीजें मैंने आपको बता दी। हालांकि अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज कमेंट करके लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूले, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और आपके राय में क्या और करना चाहिए इन्हें आप हमें कमेंट करने में बता सकते हैं दोस्तों। तो मिलेंगे नए वीडियोस के साथ, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।